हेलो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स को लेके। ये जो टॉपिक है अपने लाइब्रेरी साइंस का एक बेसिक सा टॉपिक है, इसमें से कम मिनिमम आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी लाइब्रेरियन का रिक्रूटमेंट का। ये सिर्फ आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बल्कि आपके प्रोफेशनल की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि अगर सपोज़ आप कहीं लाइब्रेरियन बन के जाते हैं, आपको कहीं किसी लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिलता है, तो आपकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उस लाइब्रेरी के कलेक्शंस को डेवलप करें, ऐसी बुक्स का सिलेक्शंस करें जो यूज़र के इन्फॉर्मेशनल नीड को फुलफ़िल कर पाएँ। ओके, तो बुक्स को सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं, चाहे वो मैककॉलविन का प्रिंसिपल हो, चाहे फ्रांसिस ड्यूरी का प्रिंसिपल हो, या मेलविल डेवे, या फिर अपने रंगनाथन सर का प्रिंसिपल हो। तो इन प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल कब आए, किसने दिए, कैसे ये बुक सिलेक्शंस में काम करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है अपना एलआर मैककॉलविन का, जिसमें उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई रूल की बात कही थी। मैककॉलविन अपनी 1925 में जो बुक पब्लिश हुई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज में, बात डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। ये जो बुक थी इनकी एक पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड थी, लेकिन ये जो इनकी क्रक्स था इनका कहने का बुक सिलेक्शंस को लेके, वो सभी तरीके की लाइब्रेरी पे इंप्लीमेंट होता है। मैककॉलविन ने अब इस बुक में एक बात कही थी कि बुक्स इन देमसेल्फ आर नथिंग, ठीक है, तो मतलब बुक्स अपने आप में कुछ भी नहीं है, दे हैव नो मीनिंग देन वाइट पेपर, मतलब अनटिल और अनलेस अगर उसकी डिमांड नहीं है बुक की, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, एक कोरा कागज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जब तक वो उसका यूज़ नहीं होता। ओके, जब तक उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैककॉलविन डिमांड एंड सप्लाई की जो बात कर, डिमांड से उनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही था कि यूज़र की इन्फॉर्मेशनल नीड, और सप्लाई से उनका रिलेटेड था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, मतलब जो यूज़र की जो नीड है, जो इन्फॉर्मेशनल नीड है, उसको फुलफ़िल किया जाए, मतलब ऐसी बुक्स को एक्वायर किया जाए जो यूज़र की इन्फॉर्मेशनल नीड को फुलफ़िल करें। ओके, तो इसमें सीधी यही बात है कि ऐसी बुक्स का सिलेक्शन हो जो यूज़र के नीड को, नीड के अकॉर्डिंग हो, सीधी सी बात यही है। ओके, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना, वो क्या है, फ्रांसिस ड्यूरी का प्रिंसिपल। उनकी जो टैगलाइन थी कि राइट बुक टू राइट यूज़र एट द राइट टाइम, सीधी सीधी इनकी टैगलाइन से ये बात पता चल जा रही है कि किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि राइट बुक टू द राइट यूज़र एट द राइट टाइम, ठीक है। तो इसका जो कोर है, जो पूरा का पूरा बेस है इस टैगलाइन का, वो यूज़र के ऊपर है कि यूज़र की जो नीड है, हाँ, यूज़र को जो मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, जो बुक चाहिए, वो एकदम अप्रोप्रिएट हो उसके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो राइट टाइम पे भी फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे बुक्स को सिलेक्ट किया जाए जो यूज़र की नीड को फुलफ़िल कर पाए राइट टाइम पे। तो ये सिलेक्टर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी बुक्स को सिलेक्ट करे जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को राइट टाइम पर फुलफ़िल कर पाए। ओके, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना मेलविल डेवे का। मेलविल डेवे का शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप सब जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। तो इनका जो टैगलाइन थी वो थी कि बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूज़र एट द लीस्ट कॉस्ट। इनकी जो टैगलाइन से ही इनकी भी पता चल जा रही है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कि कोई भी अगर लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो अगर लाइब्रेरी है उसके अपने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स में वो बेस्ट रीडिंग मटेरियल को सिलेक्ट करें, ठीक है, एक्वायर करें ऐसी बुक को जो बेस्ट है, जो कि बेनिफिट करे लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ यूज़र्स को, ठीक है। इनका सीधा मतलब यही था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपने एसआर रंगनाथन सर का, जो 1952 में दिया था रंगनाथन सर ने अपनी बुक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शंस में। उन्होंने अपने खुद के जो 3 लॉज थे उनको बेस बना के बुक सिलेक्शंस को सिलेक्ट करने के लिए सुझाव दिया था, जिसमें जो कि उनका फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बात करता है कि बुक्स आर फॉर यूज़, ठीक है। इसके ऊपर मेरा यार एक डिटेल वीडियो है 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, आप वो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ, फिफ्थ लॉ, फोर्थ लॉ क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम बुक सिलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं कि रंगनाथन सर ने ऐसा क्यों कहा कि ये लॉज जो है बुक सिलेक्शंस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर फर्स्ट बात कही है उन्होंने, बुक्स आर फॉर यूज़,
बुक्स आर फॉर यूज़, मतलब बुक्स जो हैं यूज़ के लिए हैं, वो स्टोर करके रखने वाली चीज़ नहीं है बुक। तो ऐसी बुक्स को सिलेक्ट किया जाए या फिर ऐसी बुक्स को एक्वायर किया जाए लाइब्रेरी में जो कि यूज़र की प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है इनका, एवरी रीडर हीज़ हर बुक, मतलब हर रीडर को उसकी बुक मिले, ठीक है। तो ऐसी बुक्स हों जो रीडर को अवेलेबल हो पाए, ये वाइस वर्सा की कंडीशन है यहाँ पे कि हर रीडर को उसकी बुक मिले और हर बुक को उसकी रीडर मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आप। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना हेलन हेन्स का। हेलन हेन्स ने 1935 में अपना ये बुक सिलेक्शन का प्रिंसिपल दिया था अपनी बुक में, द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन में। उन्होंने यहाँ पे बात करी थी लिविंग विद द बुक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यार हेलन हेन्स ने ऐसी बात क्यों कही थी कि लिविंग, जो इनका टैगलाइन था कि लिविंग विद द बुक्स, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आई होप ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके लगा के देखिए। अगर इसमें से आप 5 में से 5 का आंसर दे देते हैं तो आप मान जाइए कि इस टॉपिक के आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक मीडियम टॉपिक है, मैं कहूँगा मीडियम भी नहीं है, एक ईजी टॉपिक है, और इसमें से जो कि आपका एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो एक बार ये क्वेश्चंस लगा के देखिए। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, इस स्टडी मटेरियल या फिर कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ गाइस पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, और अलग अलग एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने लग रहे हैं, जैसे कि RS SSSB का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है, तो अलग अलग लाइब्रेरीज के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आई होप कि आप सबका हो जाए, अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं गाइज, आप निराश ना होइएगा, क्योंकि फेलियर यार एक तरीके से अपनी पार्ट लाइफ का पार्टी तो है। कोई बात नहीं, फेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो छोड़ो, मोटिवेशन वाली बात हम किसी और सेशन में करेंगे, अभी के लिए चलते हैं। ओके बाय।